हेलो एवरीबॉडी, लास्ट क्लास मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के 20 क्वेश्चंस करवाए थे। आज फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस? फ्रॉम दिस ऑप्शन विच वन इज़ द डायमेंशनलेस? इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओब्वियसली स्पेसिफिक ग्रेविटी साफ नजर आ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ही होगा। द नॉर्मल स्ट्रेस इन ए फ्लूइड विल बी कॉन्स्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस एट ए पॉइंट ऑन लीव। सो नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होते हैं फ्लूइड में और इन ऑल द पॉइंट्स में इक्वल कब होते हैं? जब फ्लूइड्स रेस्ट में होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होते हैं फ्लूइड में तभी इक्वल होते हैं सारे पॉइंट्स में जब वो रेस्ट के कंडीशन में होता है। और जब वो मूवमेंट होने लगता है तो उसके जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं ओब्वियसली वो चेंजेस ही होने लगेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू समथिंग दैट द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड विल नो नॉट बी सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ऑल द डायरेक्शन में कब इक्वल नहीं होगा प्रेशर? जो प्रेशर आते हैं ए फ्लूइड के ऊपर ऑल पॉइंट में इक्वल तभी नहीं, कब नहीं होंगे इक्वल? वी नो जब वो मोशन में होगा, मतलब रेस्ट में नहीं होगा तो ओब्वियसली मोशन में ही होगा एंड ऑल्सो इन विस्कस। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट हैविंग 10 kg मास वेज 9.81 kg ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस, द वैल्यू ऑफ द जी एट दिस प्लेस विल बी। सो वैसे अगर देखा जाए इस मास के लिए, 10 kg मास के लिए अगर वेट निकालना चाहें हम लोग, तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? मास इंटू ग्रेविटी, दैट इज़ 10 × 9.81। सो वेट का जो यूनिट आएगा वो कितना आएगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जी का वैल्यू भी यूनिट वी नो दैट m बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड 10 इज़ इन kg, मीन्स मास मतलब kg में ही होगा, वो साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में। सो निकल गया इसका यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अभी बोल रखा है वो जो चीज़ 10 kg का मास, जो चीज़ का मास था 10 kg, उसी ऑब्जेक्ट का जो वेज है वो कितना, उसका वेट कितना बता रहा है? 9.81 kg। सो अगर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो यूनिट है उसमें अगर kg डिवाइड कर देते हैं, 1 kg डिवाइड कर दिया गया, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग को जी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही चाहिए। तो ऑलरेडी मुझे आंसर, जब हम लोग 10 kg मास के लिए वेट निकाले तो वो क्या निकाले? 10 × 9.81, जिसका आंसर 98.1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब 98.1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 kg डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द टेंडेंसी ऑफ ए फ्लूइड सरफेस टू कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सो अगर इसमें से कोहेजन तो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि मतलब कि एक सेम फ्लूइड के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है दैट इज कोहेजन। अगर डिफरेंट फ्लूइड के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो होता है एडेसन। विस्कोसिटी तो एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें कि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक लेयर टू दी अदर लेयर। इलास्टिसिटी तो वो होता है जिसमें जब हम लोग फोर्स अप्लाई करें और आफ्टर द रिमूवल ऑफ दी लोड अप्लाई करें और लोड के रिमूवल के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पे ये आ जाता है, तो दैट इज इलास्टिसिटी। तो इसमें बचा सर्फेस टेंशन। सर्फेस टेंशन कॉन्ट्रेक्शन के साथ कैसे रिलेटेड है? क्योंकि सर्फेस टेंशन जो होता है एक, अगर हम लोग एक फ्लूइड पार्टिकल को कंसिडर करें तो सर्फेस तो उस फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर में फोर्सेस एक्ट करते हैं, फोर्सेस एक्ट करते हैं या नहीं, फोर्सेस एक्ट करते हैं चारों तरफ से। तो वो फोर्सेस जो एक्ट करते हैं वो सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन मुझे पता है कि पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जो कॉन्ट्रेक्शन होगा उस चारों तरफ से आने वाले फोर्स की वजह से कॉन्ट्रेक्शन ही होगा। सो सरफेस टेंशन इज द आंसर। द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर इज। तो अभी सरफेस टेंशन का बात आ गया, किस में ज़्यादा होता है, मर्क्यूरी या वाटर में? अभी अभी एक बात और यहाँ पे जानने की बात है कि कोहेजन जिसके बीच में ज़्यादा होता है ओब्वियसली उसके बीच में ये फोर्सेस ज़्यादा, क्योंकि दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगा मर्क्यूरी के केस में वो क्या होगा, बॉन्डिंग ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ये हम लोग जान चुके हैं। तो जब अगर बॉन्डिंग ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर जो प्रेशर आएंगे, चारों तरफ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, अच्छे से सारे बॉन्ड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक के रहे हैं, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो सर्फेस टेंशन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा ही आएगा। तो मर्क्यूरी के केस में सर्फेस टेंशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, एक परफेक्ट गैस का अगर बात किया जाए, एक परफेक्ट गैस वही होता है जिसमें विस्कोसिटी होते हैं, जिसमें कंप्रेसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसमें सारा बोल रखा है कि कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी होता है, कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी तो कभी भी नहीं होता है क्योंकि विस्कोसिटी का चेंजेस ही होते रहता है। उसके बाद जीरो विस्कोसिटी बिल्कुल भी नहीं, जीरो विस्कोसिटी विस्कोसिटी नहीं होगा वो बता रहा है, विस्कोसिटी होगा ही होगा। और थियोरेटिकल उसके बाद सॉरी सी ऑप्शन बता रखा है इनकॉम्प्रेसिबल, कभी भी इनकॉम्प्रेसिबल इन नेचर नहीं होता, हमेशा एयर जो होता है वो कंप्रेस होता है और उसका कंप्रेसिबिलिटी
ही एयर लिक्विड से बहुत ही ज़्यादा होता है। ईज ऑफ थियोरिटिकल इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं, तो नॉन ऑफ दी अबव, ऑप्शन ई इज करेक्ट। ओके, फॉर फॉर एवरी ग्रेट प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ मासेस गैस एंड लिक्विड्स। ओके, सो एवरी ग्रेट प्रेशर के लिए विस्कोसिटी एंड मासेस मास गैसेस एंड लिक्विड्स जो होता है वो कुछ इरेक्टिक बिहेवियर शो करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, देन ए फ्लूड इज इन इक्विलिब्रियम, अगर एक फ्लूड जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो वो क्या सस्टेन नहीं कर सकता है? ओब्वियसली अगर मुझे पता है फ्लूड वही चीज़ है, ये फ्लूड इसी को हम लोग बोलते हैं जिसके ऊपर हम लोग जो कि फ्लो होता है अंडर दी सीयर स्ट्रेसेस। सो ओब्वियसली अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो सीयर स्ट्रेसेस के साथ वो डील नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, वो सीयर स्ट्रेस को सस्टेन ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सन 34, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इन कंपैरिजन टू मर्क्यूरी। अब देखो विस्कोसिटी का मतलब क्या आता है, द प्रॉपर्टी इन विच द वन लेयर ऑफ द फ्लूड प्रोवाइड्स ए रेजिस्टेंस टू द अदर लेयर ऑफ द फ्लूड, राइट। तो मर्क्यूरी के केस में ये तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इसका इसका डेंसिटी इतना ज़्यादा है इसका कि वो मतलब कि फ्लो नहीं हो पाएगा, लेकिन वाटर के केस में बहुत अच्छे से फ्लो हो पाएगा और रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। तो विस्कोसिटी जो होता है वाटर में एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ए इज ऑप्शन इज करेक्ट। द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विथ इंक्रीज इन द प्रेशर, तो अभी मुझे बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो चेंज इन द प्रेशर टू दैट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, चेंज ऑफ द प्रेशर टू दैट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अभी बल्क मॉड्यूलस में साफ साफ पता चल गया कि वो जो होता है वो चेंज ऑफ द प्रेशर के साथ चेंज ऑफ द प्रेशर के साथ क्या होता है, सेम होता है, सॉरी मतलब कि चेंज ऑफ द प्रेशर के साथ इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या कि अगर ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो बल्क मॉड्यूलस भी इंक्रीज होगा, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिक्रीज होगा। तो ओब्वियसली यहाँ पे बोल रखा है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो रिलेटेड टू दैट ही है कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा विद प्रेशर, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होगा और बल्क मॉड्यूलस भी इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज द बलून लिफ्टिंग इन एयर फॉलोज दी फॉलोइंग प्रिंसिपल, एक बलून अगर एयर में लिफ्ट कर रहा है ओके तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉलो करेगा, आर्कमिडिस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा और आर्कमिडिस को फॉलो करेगा मतलब प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसी को भी फॉलो करेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ओके, द वैल्यू ऑफ द कोफिशियंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फॉर वाटर एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, दैट इज 21,000, ओके 21,000, देन 39, द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज रिजल्ट इन, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये बात हम लोग दोनों के केस में देख लेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ओबियसली लिक्विड का डेंसिटी कम हो जाएगा, ओबियसली डेंसिटी कम हो जाएगा तो विस्कोसिटी भी ओबियसली कम ही होगा, तो डिक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा जाएगा इन केस ऑफ द गैस तो क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली फ्लो होने लगेंगे और एक जगह जाके रह जाएंगे, तो वहाँ पे वो क्या होगा उसका विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दो ऑप्शन करेक्ट होंगे यहाँ पे, ए और डी दोनों सही हैं देखा जाए तो, लेकिन ऑप्शन में डी रखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी हैव टू आंसर। ओके, सो हियर द ऑप्शन ए एंड डी इज करेक्ट। ओके, देन सरफेस टेंशन हैज द यूनिट, सो वी नो दैट सरफेस टेंशन मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स मतलब कि न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। ओके, यहाँ पे सारा ऑप्शन सही मतलब कि सेम ही दिया है। सो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन मुझे पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी हैव टू सी कि यहाँ पे क्या होगा, एक्ट्स इन ए प्लेन ऑफ द इंटरफेस नॉर्मल टू एन लाइन ऑफ द सरफेस, ओब्वियसली सरफेस के सरफेस के तरफ वो नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल टेंजेंट से मतलब कि नॉर्मल होके एक्चुअली सरफेस वाटर के जो सरफेस होते हैं उसमें परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं फोर्स, दैट इज एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैपिलरिटी, बिल्कुल भी नहीं सरफेस टेंशन को कैपिलरी क्यों बोला जाएगा, सरफेस टेंशन तो अलग चीज़ है ना, क्योंकि जैसे कि अभी एक पार्टिकल को लिया जाए, एक पार्टिकल को लेने के बाद उसके चारों तरफ से फोर्स जब एक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, ये नॉर्मल टू दी सरफेस में एक्ट करते हैं सरफेस टेंशन के केस में। सो ये कैपिलरिटी के साथ बिल्कुल ही सेम नहीं है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस, बिल्कुल भी नहीं, ये डिक्रीज विथ फॉल इन द टेम्परेचर, बिल्कुल भी नहीं, फॉल इन द टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन अन डिक्रीज होंगे, ये ऑप्शन लगभग सही है क्योंकि जैसे कि टेम्परेचर अभी डिक्रीज होगा राइट, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी कम हो जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएंगे मतलब एक दूसरे से दूर होते जाएंगे राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है सही, सो ज़्यादा प्रायोरिटी मीन्स ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग ए को देना है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अगर ए या डी सही रहता तो हम लोग ए और डी को सही रख सकते थे, बट यहाँ पे ऑप्शन ए और डी को साथ में नहीं रखा गया है तो ऑप्शन ए को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। हैज़ नो यूनिट, ओब्वियसली इसका यूनिट नहीं होता है क्या, होता है यार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, देन सॉरी यूनिट पर मीटर, पर यूनिट लेंथ में कितना फोर्स होता है दैट इज न्यूटन पर मीटर। ओके,
ओके हाँ, देन दिस स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ द न्यूटनियन फ्लूइड, ओब्वियसली दिस इज लीनियर। नॉन न्यूटन फ्लूइड में वो पैराबोला कुछ होता है, बट लेकिन न्यूटनियन फ्लूइड के लिए दैट इज लीनियर। देन 43 क्वेश्चन में बस यहाँ पे इस क्वेश्चन में बता रखा है, बोल रखा है कि दी लिक्विड कंप्रेस्ड इन सिलेंडर हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 0.04 मीटर क्यूब, मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम जो है ओरिजिनल वॉल्यूम है 0.04 मीटर क्यूब एट 50 kg/cm², मतलब कि प्रेशर कंप्रेशन आ रहा है, मतलब कि प्रेशर kg/cm² एंड वॉल्यूम एंड ए वॉल्यूम ऑफ 0.039, मतलब कि पहले वॉल्यूम जो था 0.04 मीटर क्यूब था, बाद में वो 0.039 मीटर क्यूब हो गया एट 150 kg/cm² इस प्रेशर में। देन दी बल्क मॉड्यूलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ ए लिक्विड, सो यहाँ पे पता चलेगा बल्क मॉड्यूलस मुझे पता है कि चेंज इन द प्रेशर टू दैट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है चेंज इन द वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। सो अगर हम लोग सॉल्व करें तो आराम से निकल जाएगा चेंज इन द प्रेशर जो होगा 0.040 - 0.039 डिवाइड को माइनस कर दिया जाए तो चेंज ऑफ द प्रेशर निकल जाएगा 0.001। ओके, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी निकालना है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन द वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, तो चेंज इन द वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, कुछ 150 - 50 होगा, दैट इज़ 100। देन ओरिजिनल वॉल्यूम, सॉरी मैं कुछ गलत करती, हाँ प्रेशर जो चेंज इन द प्रेशर जो होगा वो होगा चेंज इन द प्रेशर, राइट, चेंज इन द प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 150 - 50, दैट इज़ 100। ओके, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है जिसमें कि चेंज इन द वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम कितना होगा, वो हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम जो दे रखा है 0.04 मीटर क्यूब दे रखा है, ये रहा दे रखा है। तो वहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें चेंज इन द प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, देन द यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का यूनिट कौन सा हो जाएगा, kg/sec/m। देन काइनामेटिक विस्कोसिटी डिपेंड, काइनामेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन ई के साथ चला जाएगा हमारा, डेंसिटी के साथ। ओके, सरफेस टेंशन का यूनिट और भी कुछ हो सकता है, एक तो मुझे पता है कि न्यूटन पर मीटर होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया भी हो सकता है और डिस्टेंस भी हो सकता है, तो बोथ ऑफ द ऑप्शन। ओके, देन ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ विस्कोसिटी, मुझे पता है विस्कोसिटी में हम लोग न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूटन का नाम ही नहीं है, तो नॉन ऑफ दी अबव। ओके, चूज ऑफ चूज द रिलेशनशिप, इसमें कौन सा रिलेशनशिप सही है। ओके, सो इसमें ऑप्शन डी दिख रहा है हमें कि मुझे पता है कि डायनामिक विस्कोसिटी जो होता है अगर देखा जाए तो या डायनामिक विस्कोसिटी जो होता है वो क्या, काइनामेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी तो वो हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू टाओ मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाय डी यू समथिंग, तो हम लोग के काइनामेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी होता है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि डायनामिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनामेटिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शायद ऑप्शन गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि सरफेस टेंशन जो होता है वो कुछ न्यूटन पर मीटर होता है, और न्यूटन जो होता है वो होता है kg/s², और ऑलरेडी नीचे m है, m कैंसिल हो जाएगा तो kg/s रह जाएगा, kg meter per न्यूटन पर मीटर है, सो न्यूटन वी नो दैट न्यूटन इज इक्वल टू kg/s² एंड m तो ऑलरेडी है, तो m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो यूनिट आ जाएगा m kgm है। ओके, kg को m से डिनोट करते हैं ना हम लोग, फंडामेंटल यूनिट्स हैं m डिवाइडेड बाय सेकेंड जो होता है वो t² होता है, अब ये t जो है वो ऊपर चल जाएगा mt-2, t-2, l-0, सो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए, हाँ लेकिन t-2 होगा वो टू मतलब 2 रखा है लेकिन -2 होगा, सो ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन वहाँ पे t-2 होगा। फॉर ए मैनोमीटर ए बेटर लिक्विड कॉम्बिनेशन इज़ वन हैविंग, सो मैनोमीटर में हमेशा हम लोग वो लिक्विड को ही यूज़ कर सकते हैं जिसमें हायर सरफेस टेंशन होगा,
सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, मतलब कि उसके बीच में कोएजन ज़्यादा होगा। मर्क्यूरी को हमेशा हम लोग के मैनोमीटर में यूज़ करा जाता है, क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो पार्टिकल के बीच में जो कोएजन है, कोएजन नेचर है, बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, इसलिए सरफेस टेंशन हायर ही होगा, तो उसे ही यूज़ करते हैं जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। ओके, सो दिस वन वॉज दी लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।